तो मैं मतलब अपने ही काम में बिजी रहती हूँ, जैसे शॉप के अलावा भी जो और काम होते हैं शूट के, वीडियो शूट के, और जैसा आपको पता है कि इनके अलावा बहुत सारे काम होते, तो उसमें तो बहुत कम। कानपुर आप आए दी कभी? कानपुर, कानपुर में मेरा ऐसा कभी कोई काम नहीं बना, लेकिन जब बनेगा तो जरूर आऊंगी। हाँ, तो मैं बता रही थी बदमाशी, तो मैंने बदमाशियाँ बहुत बड़ी बड़ी करी है। मतलब एक बार क्या था, छोटी थी ना मैं तब, तो समझती तो थी, तो उस टाइम पे मतलब है ना, पहले जैसे अपने दूध, अभी तो घर पे देने वाले आ जाते हैं, गाड़ी आ जाती है, मोटरसाइकिल पे देने वाले आ जाते हैं। पहले क्या होता था, दूध लेने जाते थे बहुत दूर, जिनके घर पे गायें होती थी, तो वहाँ बंदी बंदी भी होती थी, है ना। लाइक आप अभी भी समझते होंगे, मैं कोई दूसरी बात कर नहीं रही, तो बंदी बांध रखी थी, तो हम दूध लेने जाते थे पहले कहीं और थोड़ा सा बहुत दूर, तो मेरी बुआ सा दूध लेके आते थे पहले। और एक बार क्या हुआ, वो दूध लेने गए थे और मैं उनके पीछे पीछे चली गई, उगाना पगा। उगाना पगा मतलब बिना चप्पल के, घर वाला ढूंढ रहा है, बाइक अटक गई, बाइक अटक गई, और वो पीछे पीछे चल गई मैं उनके, बढ़िया एकदम। आप कभी बरेली आए हो दी? मैं थाने बता दूं, बेली को मैं कटगढ़ गई हूँ, जोधपुर, बीकानेर, सूरत, नहीं गुजरात, आसाम, और मेरे को याद ही नहीं है कहाँ कहाँ गए हुए। मैं पूछ के बताऊंगी। मैं आपकी शॉप पर आई थी ओपनिंग पर, नाइस टू मीट यू, बहुत बढ़िया। जब भी और भी बहुत सारी ओपनिंग होगी तब भी आप पधारना बिल्कुल। आप अपना साइकिल वाला किस्सा भी सुनाओ दी फिर से। साइकिल वाला किस्सा वो बहुत फनी है वैसे, साइकिल वाला किस्सा मेरा। साइकिल आज तक मुझे साइकिल नहीं मिली घर वालों से। मेरी एक पहली पहली जिद थी और ये कभी पूरी नहीं हुई है। मुझे साइकिल चाहिए थी, मुझे साइकिल नहीं चलाई, तो मैं साइकिल पता है कौन सी चलाती थी? वो एटलस, एटलस साइकिल होती है शायद, है ना, इसके बीच में डंडा लगा होता है बड़ी वाली, जो बड़े लोग चलाते हैं, लाइक जो बड़े बूढ़े चलाते हैं, वो वाली साइकिल। तो मैं वो वाली साइकिल चलाती थी, मुझे सिखाया भी किसी ने नहीं था, मैं चल गई। हमारे एक एक टीबा टाइप है घर की तरफ, मतलब ऊंचाई है, वहाँ चली गई साइकिल लेके और वहाँ बैठ के बैठ गई बस। मेरे पैर भी नहीं पहुंच रहे थे, मैं बैठ गई और मेरे पैर भी नहीं पहुंच रहे। वहां से आते आते हमारे जस्ट घर के सामने पहले मतलब गाय रखते थे, गाय का बाड़ा था, मैं जाके सीधी पड़ी उस गाय के बाड़े के अंदर। वाह, उस वक्त का इंसिडेंट के बाद में मुझे साइकिल चलानी तो आ गई, लेकिन मैंने फिर कभी उस साइकिल को हाथ नहीं लगाया। बिल्कुल, पापा बैठे थे मेरे सामने, मुझे बैठे बैठे देख रहे थे कि मेरी टाबर पड़ गई, बिन उठाऊं मैंने थोड़ा सा कुछ करूं कि भाई तेरा लागी तो कोनी कौन लागी, और आराम से बैठे बैठे देख रहे मेरे को। मैं वहां पड़ी, आराम से उठी, हाथ गोड़े फूटे। अब बोलू भी तो किसी को, गलती मेरी है भाई, मैं ही बनी, बट साइकिल ले जा बताई। बहुत सारे इंसिडेंट है मेरे तो भाई, बहुत सारे इंसिडेंट है। हम पहले छुपन छुपाई खेलते थे, मैं पहले किसी के भी घर में जाके छुप जाती थी। पहले छुपन छुपाई रात को, मतलब रात को ही खेलते थे हम लोग छुपन छुपाई, तो सर लाई हेलाई मारता रहता, कट गई कट गई कट गई, और मैं किसी के भी घर में जाके छुप जाती। बढ़िया, कोई टीवी देखते रहो तो दिमाग करना जाके बैठ कर, मैंने भाई रोटी रोटी खा दो, कोई रोटी खाते रहो तो दिमाग के साथ जाके बैठ जाती, रोटी खावा लग जाती, टीवी देखवा लग जाती, अगला ढूंढता ही रहता, कट गई कट गई। शॉप का एड्रेस यार, अभी मतलब है ना लाइव हूँ, लेकिन है ना अपन शॉप का टाइम रहता है ना, वो रहता है सुबह 9 बजे से रात को 8 बजे तक, तो अभी 9 बज रहे हैं, 1 घंटा ऊपर हो गया। तो हालांकि मैं लाइव करनी फैशन पे हूँ, लेकिन बाद में। जोधपुर कब आओगे? नेक्स्ट मंथ 18 को इवेंट है। अब विंटर कलेक्शन नहीं होगा इस बार, क्योंकि मेरा पूरा जो फोकस है वो सिर्फ जो भी अपने आर्टिकल्स हैं उन्हीं पे है। थाने दुकान को एड्रेस कम थाने गूगल में एक माता मिल जासी, कंडीफेशन रतन चौहान को नाम सु। खाना बना लियो मम्मी? भिवाड़ी भी आओ ना रतन जी, भिवाड़ी हमारे काफी पार्सल जाता है। जय माँ करनी, ईसा जय माँ करनी। व्यू रिक्वेस्ट भूल दो जरा, दिल में जो छुपा मैं किसी से
कहीं भी नहीं। आप तो कल की छुट्टी करोगे ना? जयमा गणेश जी सा वीडियो बदमाश बच्ची। यस आप उन लड़कियों को मोटिवेट करो जो घरेलू हिंसा का शिकार होती है। एक आपको एक रोमा देवी है बाड़मेर से है, आप लड़कियों को मोटिवेट करो। आई थिंक किसी को अपनी लाइफ से, अपनी प्रॉब्लम से या फिर किसी किन्हीं चीज़ों से आगे निकलने के लिए किसी से मोटिवेट होने की, किसी को देखने की, किसी को सुनने की नीड नहीं होती है। दिल से अपने आप एक वॉइस आती है, एक आवाज़ आती है जो कि हमारी खुद की होती है। तो आई थिंक मुझे लगता है कि हम खुद ही अपने आप को हर एक प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं, शायद हम खुद। अनु याद कर रही है, अनु मम्मी अनीता मैम से बोल रही है कि मैं तेरी बहुत पिटाई करूंगी, तू बहुत बदमाश हो गई आजकल। हाँ मम्मी बहुत बेकार है वो, मैं बोली थी उनको मम्मी याद कर रही है आपको लेकिन नहीं है। सुनो एक बार लाइव में ऐड हो ना आप, सुनो एक बार लाइव में ऐड हो ना आप। हाँ मेरी है। You are truly inspiration for all. Thank you so much. बस अपने मन की सुन, अपने दिल की करो और जो चीज होने को है वो होती है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। तो जो करना है वो करो।